honor, and at the same time it's very nice to see how cricket in India, you know, has been treated, promoted, and the dream behind everyone over here is just to grow cricket, be it tennis ball cricket or season ball cricket. So I think that is the best part, the vision they have, the dream and the goal. So I think I'm very happy to be here and support this cause. Tell us about your memories in tennis ball cricket, because Girl in the squad. Tell us about your memories of tennis ball cricket. Yeah, so even my cricketing career started playing tennis ball cricket when I was 8. In fact, I played for Dr. Shetty's team, the Payari Club, and I was the only girl amongst the boys there. So yeah, I think that and even gully cricket, a lot of gully cricket. So somewhere tennis ball cricket has always had a special place in my heart, and not just me, but I think every cricketer has played tennis ball cricket and then went on to make it big. So I think what you learn over here, it's very different. You don't necessarily get to learn it playing season ball cricket. So yeah, the experience is great. Sir, what do you want to say? India Cup, how exciting it will be? How many teams will compete? Sir, India Cup, I don't know much about India Cup, but Santosh and his team. Santosh and his whole team. So I full support them. Cricket, any form of cricket, definitely I'll be supporting them. And tennis ball cricket, as Jamie and I have said, that the start of all people tennis ball cricket from the because cricket ball ki jo facility, hai, wicket, ya stadium, ya ground, khilne, sabko ye nahi hote. Sab log ko chance nahi milta hai. To sab log, aur jyada kar girls cricket to compound se, galli se, tennis ball cricket se shuru hoti hai. और टेनिस बॉल क्रिकेट हमारे जो क्रिकेट असली क्रिकेट की जड़ है, स्टार्ट तो उधर से ही होती है. तो मैं तो कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो तो सपोर्ट करूंगा ही, और वैसे जैसे संतोष मेरा अच्छा दोस्त है तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूं बस. संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करने वाले कि सारे क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट करें क्रिकेट. पहली बार टेनिस बॉल में ऐसे कोई क्लबिंग नहीं है, तो मैंने शक्ति सर से कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि आने वाले समय में टेनिस बॉल क्रिकेट एक नेशनल लेवल पे जाना चाहिए, और उसके लिए कोई एसोसिएशन होनी चाहिए फॉर्म बॉडी. तो देखते हैं, अगर शक्ति सर अगर आगे बढ़ के इंटरेस्ट ले तो पॉसिबल है. सर, आपसे जानना चाहूँगा जो है पुणे में होने वाला है ये कॉम्पिटिशन, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटिंग होने वाला है, और जो टेनिस बॉल के जो खिलाड़ी वहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या कुछ नया होने वाला है, वहाँ पर कैसे प्रमोट करने वाले हैं? अभी कैसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है वो बॉम्बे में ज़्यादातर होता है, पुणे में कम से कम होता है. लेकिन अभी पुणे में ये टूर्नामेंट करने का है तो स्टेडियम अपने इधर अवेलेबल बारामती में, तो उधर इसका पूरा नियोजन कर चुके हैं. अभी उसके लिए पब्लिक का जब फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हुआ उस टाइम से पब्लिक एक्साइटेड है देखने के लिए, क्योंकि ये जो है वो ग्रामीण एरिया है पूरा, वहाँ लोकल प्लेयर्स दिखने को मिलते हैं. लेकिन अभी ऑल इंडिया के प्लेयर उधर आने वाले हैं, उनको देखने के लिए भी पब्लिक के मन में बहुत क्यूरियस है. फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि आज आईपीएल चल रहा है तो बहुत लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि स्टेडियम में जाके देखें. तो अगर आप देखोगे तो डेली 22-25,000 पीपल ग्राउंड पर आएंगे, और वही आईपीएल का रोमांच उनको टेनिस में देखने के लिए मिलेगा. टेनिस बॉल क्रिकेट में मैक्सिमम जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ओपन में जो टूर्नामेंट होते हैं, जैसे संतोष ने कहा कि सपोज कोई दो टीम के पास बहुत बड़े फाइनेंशियल या पैकर्स हैं तो वो ऐसी वर्ल्ड लेवल की टीम बना लेंगे कि दूसरी 14 टीम या 12 टीम जो होती है वो उतना कम्पीट नहीं कर पाती है. और ये नेशनल टेनिस बॉल लीग का एक फॉर्मेट है कि जो स्टेट के आप प्लेयर हो आपको उसी स्टेट की तरफ से खेलना होगा, आप दूसरी टीम में नहीं खेल सकते. आप चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर वेस्ट बंगाल का कोई स्टार प्लेयर है तो उसको वेस्ट बंगाल को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो दूसरे स्टेट में नहीं खेल सकता. तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट में पहली बार ऐसा होने जा रहा है. अदरवाइज हम देखते हैं कि मिक्स एंड मैच टीम बनती है, दो चार टीमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और कुछ टीमें कुछ कमज़ोर हो जाती हैं. ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हो रहा है कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे, तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड भी हैं कि देखने के लिए. और मेरा ये मानना है कि जो स्टेट्स के प्लेयर जहाँ खेलेंगे
और अभी हम जैसे यूट्यूब में देखते हैं मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में कि ऑन एन एवरेज 20,000 to 30,000 व्यूवर्स लाइव रहते हैं। तो मेरा खुद का ये मानना है कि इसमें मिनिमम 50,000 यूजर्स हर मैच में ही लाइव रहेंगे, क्योंकि उनका स्टेट्स का प्लेयर खेल रहा है और उनको सपोर्ट भी भरपूर मिलेगा। आप क्या करेंगे, प्लेयर्स जो है इनर को क्या इनाम रखा गया है? सर यहाँ पर सबसे बड़ा इनाम यही है कि हमारी सोच ऐसी है कि टेनिस क्रिकेट को लोकल कहा जाए, प्लीज इसे हम चेंज करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी एक स्टारडम के क्लियरेंस में जा रहा है कि नहीं, टेनिस जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी टाइम है और वो लोग भी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं खुद का, या एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं जहाँ पर लोगों को इंस्पायर कर सके या अदर टेनिस क्रिकेट को इंस्पायर कर सके। जिनका बच्चा शायद सीजन ना खेल पाया या कोई भी चीज़ की वजह से कारण से ना खेल पाया, इसका मतलब ये नहीं कि टेनिस खेल रहा है तो वो लोकल हो जाए। तो ये सोच हमें बदलनी है कि आज शायद 8 क्रिकेट खेल रहा है, नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करें 12-16, या एक टेनिस क्रिकेट का पूरा एंटायर जो फॉर्मेट है वो चेंज करने का हम लोग का प्लानिंग है कि एटलीस्ट एक दिन IPL की तरह छोटा सा एक टूर्नामेंट हम भी ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसी की ये पहली शुरुआत है। संतोष जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेंशन हुआ था, किसी ने मेंशन किया था कि MS धोनी जो है पहले टेनिस क्रिकेट खेले थे उसके बाद, तो क्या वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी होगी और ये खिलाड़ियों के लिए क्या वो अपॉर्चुनिटी होगी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भाग ले सके? जब तक क्रिकेट हम एक बड़े लेवल पे लेके नहीं जाए तब तक वो फॉर्म होना मुश्किल है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम गवर्नमेंट के नज़र में ला के देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट की पोटेंशियल बहुत बड़ी है, तो धीरे 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 बॉडी फॉर्म होगी और उसके बाद देखा जाएगा। तो ऐसे और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रवीण थांबे जी, शायद आप सभी उनको जानते हो, टेनिस बॉल क्रिकेट के मैचलेस करके एक टीम थी लोकल टीम, वो टीम में प्रवीण थांबे सर तकरीबन 18 साल खेले फॉर्मल, धोनी हालांकि धोनी तो नहीं खेले रहेंगे बट टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रवीण तांबे जी बहुत 15 साल खेले, उनके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है टेनिस बॉल में। सचिन जी आप बताएं प्लेयर्स की क्या प्राइजेस रखेंगे? अभी विनर प्राइस ये टूर्नामेंट में जो विनर टीम रहेगी उसके लिए 7 lakh rupees फर्स्ट प्राइज है, विनर टीम के लिए 7 lakh rupees फर्स्ट प्राइज है और रनर टीम के लिए 4 lakh rupees फर्स्ट प्राइज है, उसके साथ ट्रॉफी कॉप ने देखी है और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक रॉयल इनफील्ड बाइक रखी है और हर मैच के मैन ऑफ द मैच को एक 32-inch LED TV मिलेगा। उसके सिवा बाकी जो प्राइजेस है वो है बेस्ट बैट्समैन के लिए 50,000 रुपये कैश प्राइज है और बेस्ट बॉलर के लिए भी 50,000 रुपये कैश प्राइज है। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जो अभी पूछा था कि इसका सिलेक्शन कैसा होगा, एक्चुअली टेनिस क्रिकेट में अभी तक ये लेवल का प्लेटफॉर्म ही नहीं था। क्लब जैसे अभी क्लब है वैसे टीम ओनर से या कोई स्पॉन्सर से वो एक अच्छे प्लेयर का एक यूनिट स्पॉन्सर करते हैं और किसी टूर्नामेंट में वो हिस्सा लेते हैं, पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि लेदर क्रिकेट में आपको क्लब क्रिकेट मिलेगा, उसके बाद में रणजी क्रिकेट मिलेगा, फिर ईरानी ट्रॉफी है, तो अलग अलग फॉर्मेट है। वैसे टेनिस क्रिकेट में तो अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक प्लेयर को प्राइज तो मिलेगा पर एक प्राइड भी मिलेगा कि वो अपने स्टेट के लिए फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर पाए। संतोष जी मेरा आपसे जानना है कितने ओवर का मैच होगा? टूर्नामेंट कितने ओवर होने वाले हैं? टूर्नामेंट बेसिकली 6 ओवर का टूर्नामेंट है, 6 ओवर का फॉर्मेट है जो लीग्स मैचेस है और उसके बाद सेकंड स्टेज पे 8 ओवर का मैचेस होगा। एक बॉलर कितना ओवर कर सकता है इसके अंदर? एक बॉलर मिनिमम 2 ओवर कर सकता है, अभी धीरे इसके बाद हम लोग फॉर्मेट डिक्लेयर करेंगे। अच्छा इसके अंदर थर्ड एम्पायर होंगे? ऑफ कोर्स, यहाँ पर आप देखा जाएगी टोटल IPL टाइप टोटल 24 कैमराज ग्राउंड पर लगने वाले हैं, सो इसमें हर टीम के लिए एक रिव्यू होगा, वो अपने हिसाब से वो रिव्यू ले सकता है। जमायमा जी आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो है रोहित शर्मा जी के साथ जो 2011 में हुआ था वो इस साल हुआ, कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की इस बारे में, अगर क्योंकि मैं कहीं में पढ़ रहा था कि आपने उनसे बात की थी रोहित शर्मा जी से, अगर उस बारे में कुछ बताना चाहे आपकी? या सो इवन आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ODI वर्ल्ड कप एंड इमीडिएटली फ्यू डेज आई गॉट टू स्पीक टू रोहित शर्मा एंड इन फैक्ट ही वाज द वन हु फर्स्ट केम अप एंड वाज लाइक डोंट वरी it happens with everyone, you're just going to learn from it and get better. So then I had the opportunity to talk to him
and I asked him that, you know, you were also dropped from the 2011 World Cup, but looking now 10 years later, you're leading India. Did you ever think that that happened? He's like, no, I never thought that would happen. And there was a lot of people came and told a lot of things, but even he said that, you know, even he was depressed for a month. And he told me, you know, I somewhere get what you're going through and what you're feeling. But he said that tough times don't last, tough people do. And your opportunity will come. You're very young right now. You will get an opportunity. And when the opportunity comes, make sure you're prepared and ready for it. So that is exactly what happened to me. And it was nice to get this opportunity to talk to him. And very inspiring. And I was able to make a comeback in the team. And yeah, things went well from there.